भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का समय अब नजदीक आ चुका है। सीरीज का पहला टेस्ट नागपुर में खेला जाएगा, जिसके लिए अब एक हफ्ते से भी कम का शेष समय बच गया है। नागपुर टेस्ट से पहले जहां टीम इंडिया रविंद्र जडेजा के फिटनेस टेस्ट पास करने में खुश है, वहीं श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल शुभम गिल पिछले कुछ दिनों में बतौर ओपनर शानदार लय में है। उन्होंने करीबन एक महीने में 5 शतक ठोक दिए हैं, जिसमें से 3 वनडे में है और 1-1 शतक टेस्ट व T20 में आया है। यही कारण है कि टीम उनकी ओपनिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। उधर कप्तान रोहित शर्मा जो बांग्लादेश सीरीज में नहीं थे, उनकी भी वापसी हो रही है। भारत के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में केएल राहुल उप कप्तान है, ऐसे में उनका खेलना तय है। वही शुभम गिल को बाहर रखने का रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेना चाहेगा। गिल ने अभी तक ज्यादातर ओपनिंग ही की है और उसमें ही उनको सफलता मिली है। वहीं केएल राहुल को अक्सर ओपनिंग से लेकर मध्य क्रम तक ही रोटेट किया जाता है। इसी के मुताबिक जब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आपके पास मिडिल ऑर्डर में उपलब्ध नहीं है, तो केएल राहुल को बतौर मध्य क्रम में बल्लेबाजी के तौर पर टीम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से गिल का ओपनिंग स्किल भी बना रहेगा। अब बात आती है कि विकेट कीपर की, तो इस स्क्वाड में ईशान किशन को पहली बार टेस्ट में चुना गया है, तो केएस भारत पहले से ही टीम का हिस्सा है। भारत लंबे समय से टीम के साथ है और उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। यही कारण है कि अब ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में श्रीकर भारत अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। वो ईशान किशन को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, वो बैकअप विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। उनके अलावा सूर्यकुमार यादव को भी अभी टेस्ट क्रिकेट में एंट्री के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही रविंद्र जडेजा की वापसी हो गई है और कुलदीप अक्षर अश्विन तीनों पहले से ही टीम के साथ हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है, जिसमें अक्षर और कुलदीप के बीच टॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अश्विन टीम के सीनियर खिलाड़ी है और रविंद्र जडेजा की बैटिंग स्किल इन सबसे बेहतर है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना कप कप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।